Computer, start typing. Right, so you can see on the screen, it's typing whatever you are saying. और हमें चाहिए समरी एंड में करना है, बहुत सुंदर। समरी को सेलेक्ट कीजिए और इसको खींच के नीचे ले आइए। क्या भाई, समरी नीचे हो गई। तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है नहीं, जल्दी से चलिए एक डॉक्यूमेंट ले आते हैं। ओहो, तुरंत डॉक्यूमेंट आ गया। इसका एक शॉर्टकट टेक्निक है कोई भी रेंडम डॉक्यूमेंट लाने का, मैं आपको दिखा देता हूं। इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट लगा दीजिए, एंटर मार दीजिए। कभी आपने कुछ लिख दिया और कुछ ज्यादा भी लिख दिया, तो जो ज्यादा वाला है वो आप हटाना चाहते हो, तो जस्ट सी कैसे आप हटाएंगे। मैंने सेलेक्ट किया ये वीडियो डिस्क्रिप्शन और मैं चाहता हूं ये कोई ना दिखे, ठीक है। मैं दबाऊंगा हिडन, ओके, गायब हो गया। लेकिन वो है यहां पे, आपको पता है वो है। अब वापस लाना है तो वहां टिक लगा हुआ होना चाहिए ना, वो टिक लगा हुआ है ही नहीं। अगर अनटिक करते तो हिडन वाली चीज वापस आती, ये तो बड़ा खतरनाक बात है। छिप तो गया लेकिन वापस कैसे आएगा, तो कैसे करें इसको। ओके, ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं ना कहीं है, तो पहले सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ई, यहीं पे छिपा है, ठीक है। उसके बाद हम दबाएंगे कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल डी, और अब देखिए ये बोल रहा है हिडन है, यहां से हटाइए, ठीक है, यहां से हटाइए और ओके दबाइए। आ गए सब, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट को सेलेक्ट कीजिए और इसमें है कंटेंट्स, इसे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका कंटेंट आगे आ गया, कितना बढ़िया इंडेक्स बन गया। कंटेंट्स वीडियो रिपोर्ट पेज नंबर 1 पे। लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन को हम क्या करेंगे, लैंडस्केप कर देंगे, तो सारे के सारे लैंडस्केप हो जाएंगे, सारे के सारे लैंडस्केप हो जाएंगे। तो दिक्कत है, मुझे क्या सारे लैंडस्केप करने थे, नहीं, मुझे सिर्फ एक पन्ना लैंडस्केप पे प्रिंट करना है। क्या कभी कभी ऐसा होता है? हाँ होता है। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स पहले सेक्शंस में डिवाइड होते हैं और फिर सेक्शंस पेजेस में डिवाइड होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं पेज नंबर 2 के एंड में और यहीं पे फिर से ब्रेक लगाते हैं सेक्शन पे। अब मैं इस पे कर्सर रखता हूँ और ओरिएंटेशन में जाके कर देता हूँ लैंडस्केप। देखिए सिर्फ एक पन्ना लैंडस्केप होगा, देखिए कितना सुंदर। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जाइए लेआउट, और लेआउट में होता है रिपीट हेडर रोज, इसको क्लिक कर दीजिए। आपके सारा हेडर रोज रिपीट हो गया हर जगह। ओह वाओ, दैट्स गुड। अब आप कहोगे नहीं सर, यहां नहीं करना था हमको, तो कहीं और इंसर्ट करना था, तो पकड़ लीजिए इसको, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ये लीजिए, और कहीं घुसाना है इसको, ये लीजिए। ऐसा ही होता है ना न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स वगैरह में, कहीं भी इमेज आपको मिल जाती है। एक्सेल वाले सारे टूल भी खुल गए हैं, ये ऑटो सम वगैरह, ये पहले क्या आपको दिख रहा था, नहीं, ये सब कुछ कैसे आ गया। दिस इज कम बिकॉज यू हैव स्टार्टेड यूजिंग एक्सेल, राइट। हम एक्सेल के बाहर कर्सर को रखते हैं, एक्सेल के बाहर कर्सर को रखते हैं, देखिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह बन गया।